हाय गाइस, ये मेरा न्यू वीडियो है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर है, इंडिया में जो पाए जाते हैं। ये मैंने जो नेशनल पार्क सीरीज़ है उससे हटकर ये वीडियो बनाया है, स्पेशली क्योंकि इस बारे में यूपीएससी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन से हैं, कौन से स्पीशीज़ एंडेमिक है इंडिया के लिए। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये जो टर्म है ये एक ऑर्गेनाइजेशन से आया है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ढेर सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और इसका मेन पर्पस यही है कि जो भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल किंगडम के हों, जो एक्सटिंक्शन के थ्रेट में हों, उनके कंजर्वेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये एक रेड लिस्ट प्रिपेयर करता है, IUCN का रेड लिस्ट जो कि बहुत फेमस रेड लिस्ट है। इस ये एक इन्वेंट्री है जिसमें जो भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स की हों चाहे वो प्लांट्स की हों, जो कि किसी भी तरह से इंडेंजर्ड है, उनके बारे में ये एक इन्वेंट्री है ताकि लोगों को जागरूक कराया जा सके कि उनका कंजर्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी इमरजेंसी है उनके कंजर्वेशन के लिए। तो उसमें ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं, उसमें से एक कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली एक स्पीशीज़ को क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के लिए कई सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। मैंने इनमें से बस दो मेन क्राइटेरिया आपके सामने रखे हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि ऐसी स्पीशीज़ जिसका लास्ट 10 ईयर्स में या फिर अपने 3 जनरेशन्स में पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया हो, विच इज़ लाइक इक्वल टू और मोर देन 90% रिडक्शन इन पॉपुलेशन, उसको हम लोग क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में डालेंगे। जिसका जो कॉज है रिडक्शन का, कि जो रीज़न है रिडक्शन का, वो रिवर्सिबल है, मतलब वो उल्टा किया जा सकता है, और जो कि अंडरस्टूड है, मतलब जिस रीज़न को हम लोग समझ चुके हैं कि इस कारण की वजह से इनका पॉपुलेशन इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ऐसी स्पीशीज़ जिनका पॉपुलेशन साइज़ रिडक्शन 80% या उससे ज़्यादा रिड्यूस हुआ हो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स और 3 जनरेशन्स, जिसका जो कॉज है रिडक्शन का वो या तो हम समझ नहीं पाए हों, या फिर वो कॉज रुका ना हो, या फिर वो कॉज रिवर्सिबल ना हो, मतलब वो कॉज उल्टा ना किया जा सके। तो आई होप आई वॉज क्लियर अबाउट दीज टू क्राइटेरियाज़। अगर आपको इसके सारे क्राइटेरियाज़ जानने का मन है तो आप IUCN के वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसमें पूरा दिया हुआ है। सो फर्स्ट वील डील विद मैमल्स। मैमल्स ऐसे जो इंडिया में पाए जाते हैं और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हों। और एक और चीज़ मैं IUCN के बारे में बताना भूल गई, IUCN सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ नेचर से ही नहीं डील करता, अब IUCN ने अपना एम्बिट और बढ़ा दिया है। अब उसके एम्बिट में जेंडर इक्वालिटी भी आता है और पॉवर्टी रिडक्शन भी आता है, सस्टेनेबल बिजनेस भी आता है। सो IUCN इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पहला है एशियाटिक चीता। ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से, बट एक ज़माने में ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एशियाटिक चीता भारी तादाद में इंडिया में पाए जाते थे, बट बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग अब ये इंडिया में नहीं है, ये सिर्फ अब ईरान में ही पाए जाते हैं। और इनफैक्ट इनकी जो पॉपुलेशन है ये अब लेस देन 70 हो गई है पूरे वर्ल्ड में। दिस इज़ द नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। इसका नाम नामदफा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो सबसे पहला स्पेसिमन रिकॉर्ड किया गया था वो नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ से रिकॉर्ड किया गया था, तो इस फ्लाइंग स्क्विरल का नाम ये पड़ गया। फ्लाइंग स्क्विरल बेसिकली ऐसी स्क्विरल्स नहीं होती हैं जो बर्ड्स की तरह उड़ पाएँ, बट इनको फ्लाइंग स्क्विरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ आराम से ग्लाइड कर जाती हैं, बिकॉज इनके पास एक पैराशूट टाइप का एक मेम्ब्रेन होता है जो उनको मदद करता है। तो दिस फ्लाइंग स्क्विरल इज़ एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और अगर आपने वीडियो देखा होगा जो मैंने नेशनल पार्क्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किया था उसमें आपको ये मिलेगी। दिस इज़ द एलवीरा रैट। ये एलवीरा रैट जो हैं ये सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और इंडिया में सिर्फ तमिलनाडु के ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ये क्रोडेंट स्पीशीज़ है और इसका नेचुरल हैबिटेट सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो ड्राई श्रबलैंड्स होते हैं उसी में जो रॉक्स होते हैं उन्हीं के चारों तरफ ये रहते हैं। अंडमान श्रू।
श्रूज बेसिकली माउस लाइक मैमल्स होते हैं, जिनके एक लंबी सी स्नाउट होती है नोज के लिए, और उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं. बट अनलाइक माइस, श्रूज रोडेंट्स नहीं होते हैं और ये इंसेक्टिवोरस होते हैं. सो अंडमान श्रू इज़ एंडेमिक टू साउथ अंडमान आइलैंड ऑफ इंडिया. ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में साउथ अंडमान आइलैंड में ही मिलता है. दिस इज़ जेनकिन्स श्रू. जेनकिन्स श्रू भी एंडेमिक है, साउथ अंडमान आइलैंड में ही मिलते हैं. निकोबार श्रू, इसकी अच्छी फोटो मुझे नहीं मिल पाई, मैंने बहुत सर्च किया. इसको निकोबार वाइट टेल श्रू भी कहा जाता है और ये एंडेमिक है ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया. ये सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही पाए जाते हैं. नॉर्दर्न सुमात्रन राइनोसरस, ये किसी ज़माने में ईस्टर्न इंडियाज़ और हिमालयन रीजन में ये बहुत पाए जाते थे, बट अब बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग, हंटिंग, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको बर्मा में, मलेशिया में, यहाँ पर मिल जाएंगे, बट इनकी पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है. और इनको चिटागोंग राइनोसरस या नॉर्दर्न हेरी राइनोसरस भी बोला जाता है. जावन राइनोसरस, इसको सुंडा राइनोसरस या लेसर वन हॉर्न राइनोसरस भी कहा जाता है. कई सारे आइलैंड्स लाइक जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब, इनको अगर आप कंबाइन करें तो उनको सुंडा नाम दिया जाता है. और ये जो राइनोसरस है, ये बाकी राइनोसरस के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है और इसमें सिर्फ मेल्स के हॉर्न्स होते हैं. ये एक ज़माने में सबसे वाइड स्प्रेड स्पीशीज था एशियन राइनोसरस की, और इंडिया में भी पाया जाता था, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सिर्फ जावा में पाया जाता है. कोंडाना सॉफ्ट फर्ड रैट, ये भी एक रोडेंट है जो कि सिर्फ सिंगर प्लाट्यू महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं. इनकी पॉपुलेशन बहुत खतरे में है बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजिंग, बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो इसलिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. दिस इज़ द पिग्मी हॉक. पिग्मी हॉक बेसिकली स्मॉल पिगलेट्स टाइप के स्पीशीज होते हैं जो कि डिक करते हैं लैंड को और वहीं पे अपना एक नेस्ट बनाते हैं. ये बेसिकली इंसेक्ट्स खाते हैं, रोडेंट्स खाते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स खाते हैं. सो ये अब इंडिया में सिर्फ आसाम में पाए जाते हैं और इनकी पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है. इनफैक्ट देर आर लेस देन 150 इंडिविजुअल्स ऑफ पिग्मी हॉग नाउ इन द वर्ल्ड. दिस इज द चाइनीज पैंगोलिन्स. पैंगोलिन्स बेसिकली स्केली होते हैं, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा. इनकी पूरी बॉडी स्केल से कवर्ड है और ये एंट ईटर्स होते हैं. और ये नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं, भूटान में भी, बांग्लादेश में भी, म्यांमार में भी, सदर्न चाइना में भी. दिस इज द मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिविट. सिविट बेसिकली एक स्लेंडर मैमल होता है जो कि कार्निवोरस होता है और नॉक्टर्नल होता है, रात में जगते हैं. और ये एंडेमिक है, ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में ही पाए जाते हैं. और बेसिकली इनका जो स्किन होता है ये स्पॉटेड रहता है सिविट्स का. ये दो स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन इनको अभी तक IUCN इवेल्युएशन नहीं मिल पाया है. सबसे पहले हिमालयन वुल्फ है और दूसरा हंगुल है, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है. हिमालयन वुल्फ का ऑलमोस्ट अराउंड 350 इंडिविजुअल से कम की पॉपुलेशन हो गई है. और ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में पाए जाते हैं. और इंडिया ने एक प्रोजेक्ट हंगुल भी शुरू किया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कश्मीरी स्टैग. और हंगुल के लिए एक नेशनल पार्क फेमस है, दचीगाम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर के पास में है. एंथ्रोपोडा. एंथ्रोपोडा बेसिकली इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं. अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा एनिमल किंगडम का बायोलॉजी में, तो दीज आर इन्वर्टिब्रेट्स और इनके एक एक्सोस्केलेटन होता है. बेसिकली स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, ये सब एंथ्रोपोडा में आते हैं. रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर. रामेश्वरम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसको रामेश्वरम में देखा गया था इंडिया में. इसको रामेश्वरम ऑर्नामेंटल स्पाइडर भी कहा जाता है. ये एक काइंड ऑफ टैरेंटुला स्पाइडर है जो कि अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. इसमें स्ट्राइप्स होते हैं जो कि इसको कैमोफ्लाज करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दीज आर बेसिकली ट्री ड्वेलिंग टैरेंटुलास. गूटी टैरेंटुला और पिकॉक टैरेंटुला. पिकॉक इसलिए क्योंकि इसका जो कलर है ये काइंड ऑफ रिजेंबल करता है पिकॉक्स को. इसको मेटलिक टैरेंटुला भी कहा जाता है क्योंकि ये मेटलिक ब्लू कलर का होता है.
और ये बेसिकली डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है आंध्र प्रदेश के। बर्ड्स, वाइट बेलीड हेरॉन, इसको इंपीरियल हेरॉन भी कहा जाता है। ये ईस्टर्न हिमालयस के फुट हिल्स में पाए जाते हैं, और इसको वाइट बेलीड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप फोटो में देख सकते हैं इसके जो बेली वाला स्ट्रक्चर है ये वाइट कलर का है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बेसिकली राजस्थान में, इंडिया में पाए जाते हैं, एरिड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में। फॉरेस्ट आउलेट्स, ये सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं सिर्फ, और ये भी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। इनकी भी पॉपुलेशन लेस देन 350 हो गई है इंडिया में, और ये जो आउलेट्स होते हैं ये बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं। बेयर्स पोचार्ड, ये डाइविंग डक्स होते हैं, ये इंडिया में माइग्रेट करके आते हैं विंटर्स में। इनको डाइविंग डक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनको जब खाना होता है तो ये पानी के अंदर डाइव करके खाना खाते हैं। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, स्पून बिल्ड इनकी जो आप बीक देख रहे होंगे उसके शेप की वजह से इनका नाम स्पून बिल्ड रखा गया है। ये भी रशिया में होते हैं और इंडिया में माइग्रेट करते हैं विंटर्स के टाइम में। साइबेरियन क्रेन, इनको स्नो क्रेन भी कहा जाता है, ये भी माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रशिया चाइना में और इंडिया में। वाइट रम्ड वल्चर, इसको ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर भी कहा जाता है, और आप अगर फ़ोटो देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा ये नाम कहाँ से आ रहा है। ये एक ज़माने में इंडिया का मोस्ट कॉमन वल्चर था, लेकिन अब इंडिया में एक वल्चर क्राइसिस हो गई है। देर हैज़ बीन अ सीवियर पॉपुलेशन रिडक्शन, मोर देन 99% पॉपुलेशन रिडक्शन हो गई है इन स्पीशीज़ की, और इसका मेन कारण एक ड्रग है, एक दवाई है जिसको डिक्लोफिनैक कहा जाता है। डिक्लोफिनैक बेसिकली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है जो कि जॉइंट पेन्स इन सब कारणों की वजह से दिया जाता है। तो ये जो ड्रग है ये कैटल, ये लाइफ स्टॉक को दिया जाता है, और जब लाइफ स्टॉक मर जाते हैं, बिकॉज दीज वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स, ये डेड लाइफ स्टॉक को खाते हैं, तो जब ये इन डेड लाइफ स्टॉक को खाते हैं तो इनके अंदर डिक्लोफिनाक आ जाता है, और डिक्लोफिनाक जो होता है ये वल्चर्स में किडनी फेलियर लाता है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। इंडियन वल्चर, इसको लॉन्ग बिल्ड भी कहा जाता है, इसका भी 99 to 97% रिडक्शन हो चुका है पॉपुलेशन में, एंड द मेन रीज़न बीइंग डिक्लोफिनाक। स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी एक टाइप ऑफ वल्चर है, इंडिया में पाया जाता है, इसका भी सेम रीज़न है डिक्लोफिनाक की वजह से पॉपुलेशन रिडक्शन। रेड हेडेड वल्चर, इसको एशियन किंग वल्चर या इंडियन ब्लैक वल्चर या पॉन्डिचेरी वल्चर भी कहा जाता है, इसकी भी सेम स्टोरी है। बंगाल फ्लोरिकन, इसको बंगाल बस्टर्ड भी कहा जाता है, काइंड ऑफ बस्टर्ड की ही सब स्पीशीज़ है, और ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। हिमालयन क्वेल, ये वेस्टर्न हिमालयाज बेसिकली उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जर्डोन्स कोर्सा, ये आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, और यहाँ अभी फ़िलहाल इंडिया में ये सिर्फ श्री लंका मल्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाए जाते हैं। पिंक हेडेड डक, ये भी एक काइंड ऑफ डाइविंग डक थी जिसको पहले ज़माने में आपको गैंगटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, स्वैम्प्स ऑफ म्यांमार, इन सब में आप डाइविंग डक, पिंक हेडेड डक को देख सकते थे, लेकिन अब ऐसा लोगों का मानना है कि अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि फ़िलहाल में ये देखे नहीं गए हैं। सोशिएबल लैपविंग, ये भी माइग्रेट करता है फ्रॉम रशिया एंड कजाकिस्तान टू इंडिया। दीज आर ऑल माइग्रेटरी वाटरफॉल्स, जिसके कंजर्वेशन के लिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, राजस्थान के जो नेशनल पार्क्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बुगुन लियो चिचला, मुझे इसका प्रोनंसिएशन बहुत श्योर नहीं है, बट ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और इनकी पॉपुलेशन इतनी रिड्यूस हो चुकी है कि लोग कहते हैं कि अराउंड 14 इंडिविजुअल्स ही बाकी रह गए हैं इस बर्ड स्पीशीज़ के। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बेसिकली वो स्पीशीज़ होती हैं जो लैंड और वाटर दोनों में एग्जिस्ट कर सकती हैं। मद्रास स्पॉटेड स्किंक, इसकी फ़ोटो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी,
बट ये एक लिम्बलेस लिजर्ड होती है, इनके लिम्ब्स नहीं होते हैं, और ये सिर्फ मैंग्रोव हैबिटेट में पाया जाता है, चिल्का लेक के जो मैंग्रोव हैबिटेट है उसमें पाए जाते हैं, उड़ीसा में। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ये एक काइंड ऑफ टर्टल है जो कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर टर्टल है, और ये बांग्लादेश में, कंबोडिया में, इंडिया में वेस्ट बंगाल और ओडिशा वाले रीजन में ये पाया जाता है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, इसकी फ़ोटो से ही आपको समझ में आ जाएगा इसका नाम कहाँ से पड़ा है। इसका जो हेड एरिया है और इसका जो नेक एरिया है, इसमें ब्राइट कलर्स आपको दिखेंगे, रेड, येलो और ब्लू। ये सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, मेल टर्टल्स में। और ये भी एक फ्रेश वाटर टर्टल है जो कि सिर्फ साउथ एशिया में ही पाया जाता है, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। हॉक्सबिल सी टर्टल, ये एक सी टर्टल है, सी में ही पाया जाता है, और इसका जो पॉपुलेशन है बहुत रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज़ इसका जो शेल है, ये लोग इसके लिए इसको हंट करते हैं और इसके शेल से डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। तो जो कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है साइट, इसने इसका जो कैप्चर है और इसका ट्रेड है इसको बैन कर दिया है। घड़ियाल, घड़ियाल है, ये नेटिव है नदर्न इंडिया का, और इंडिया में तीन काइंड ऑफ क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो घड़ियाल जो है, फिलहाल इनकी पॉपुलेशन बहुत रिड्यूस हो गई थी, और जिसकी वजह से नेशनल चंबल सैंक्चुरी बनाई गई थी जो कि मध्य प्रदेश में है, इनके कंजर्वेशन के लिए। जयपुर ग्राउंड गेको, ये काइंड ऑफ लिजर्ड गेको स्पीशीज़ है जो कि ईस्टर्न घाट्स के हाई एलिवेटेड रीजन्स में, जहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं, वहाँ पर ये गेको स्पीशीज़ पाए जाते हैं, ओडिशा में, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में। दिस इज़ निमास्पिस अनाईकैटियंसिस, इसका कोई कॉमन नेम मुझे नहीं मिल पाया इसलिए इसका साइंटिफिक नेम लिखना पड़ा। ये भी एक काइंड ऑफ गेको ही है, और इसका जो नाम है, अगर आप देखेंगे, अनाईकैटियंसिस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अनाईकैटी हिल है जो कि वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में है, उसके वहाँ पे पाया जाता है, तो इस हिल के नाम से इसका नाम रखा गया है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्रॉग्स के स्पीशीज़ हैं इंडिया के, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, बहुत ढेर सारे थे और मुझे लगा नहीं कि ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि मैं इन सब के ऊपर एक स्पेशल स्लाइड बनाऊं। और ये फ़ोटो में आपको अन्नामलाई का फ्लाइंग फ्रॉग दिख रहा है। फिश, ये पॉन्डिचेरी शार्क है, ये अब बहुत ही रेयर हो चुकी है, ऑलमोस्ट ऐसा माना जा रहा है कि एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है, और ये जनरली कोस्टल वाटर्स में ही पाए जाते हैं, बट सम रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड कि इनको हुगली हुगली रिवर में भी देखा गया है, पॉन्डिचेरी शार्क। देन वी कम टू गैंगस शार्क, ये एज द नेम सजेस्ट, ये गंगा में और ब्रह्मपुत्रा रिवर में पाए जाते हैं ये शार्क। कश्मीरी कैटफिश, इसका नाम कश्मीरी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको झेलम रिवर में पहली बार देखा गया था। हम्प बैक्ड महसीर, इसको इंडिया के जो कावेरी रिवर का बेसिन है उसमें ये पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर फिश है। रेड कैनरीज बाब, ये भी वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक हैं, कर्नाटका और केरला में ही सिर्फ पाई जाती हैं। दिस इज़ द लॉन्ग कोम सॉफिश, इसका नाम सॉफिश इसलिए है बिकॉज जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, इसकी एक लंबी सी स्नाउट होती है जिसमें ढेर सारे टीथ निकले रहते हैं, तो इसलिए उसका नाम सॉफिश रखा गया है। सो लॉन्ग कोम सॉफिश को ग्रीन सॉफिश भी कहा जाता है, और ये बेसिकली ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। ये कॉमन सॉफिश है, ये भी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन से पाए जाते हैं, बट समटाइम्स ये फ्रेश वाटर रीजन्स में भी एंटर कर जाते हैं। दिस इज़ अ लार्ज टूथ सॉफिश, ये भी इंडो वेस्ट पैसिफिक ओशन ट्रॉपिकल वाटर्स इन्हीं सब में पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में सिर्फ एक है, पिग्मी हॉग सकिंग लाउस,
ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और अब सिर्फ आसाम में ही पाया जाता है, बिकॉज़ ये जो इंसेक्ट है ये एक पैरासाइट है जो कि पिग्मी हॉग, जो जानवर जिसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा है, उसी एनिमल की बॉडी में मिलता है ये लाउस। और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और पिग्मी हॉग भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सो बेसिकली दिस इज़ द होल वीडियो। इसमें सिर्फ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ही देखा गया है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ में, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि इंडिया में पाए जाते हैं उनके ऊपर होगा। सो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो एंड आई रियली एन्जॉयड मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, बाय गाइज़।